हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है, तब ना उसके बारे में हम स्टार्ट कर पाएंगे पढ़ाई करना। तो सबसे पहले डिफिनीशन की ओर चलते हैं। पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम responsible for control of the unconscious body functions such as breathing, heartbeat and digestive processes etc. मतलब कहने का ये है कि हमारी नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो कि हमारी बॉडी के अनकॉन्शियस फंक्शंस जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट या डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाइज टू इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं वो हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती हैं। अब चलिए क्लासिफिकेशन की ओर देखते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें दो पार्ट हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी की पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को। जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें दो पार्ट हैं सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो हमारे पेरीफेरी से सीएनएस की तरफ सिग्नल ले जाती हैं, इम्पल्स ले जाती हैं, वो होती हैं सेंसरी नर्व्स। और उनके रिस्पॉन्ड में, उन सिग्नल्स या उन इम्पल्सेस के रिस्पॉन्ड में जो हमारे सीएनएस से पेरीफेरी की तरफ इम्पल्स कैरी करते हैं नर्व्स, उनको बोलते हैं मोटर नर्व्स। ठीक। अब अगर वॉलंटरी स्ट्रक्चर से सिग्नल ले जाया जा रहा है तो वो होगा क्या, वॉलंटरी स्ट्रक्चर से अगर सिग्नल ले जाया जा रहा है तो वो होगा सोमैटिक नर्व्स का पार्ट, और इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर से अगर सिग्नल ले जाया जा रहा है तो वो ऑटोनॉमिक नर्व्स का पार्ट होगा। वैसे ही अगर वॉलंटरी स्ट्रक्चर्स पे सिग्नल लाया जा रहा है सीएनएस से, वो होगा सोमैटिक नर्व्स का पार्ट, और इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर्स पे अगर लाया जा रहा है तो वो होगा ऑटोनॉमिक नर्व्स का पार्ट। हमें इस चैप्टर में इसी चीज के बारे में डिटेल में जानना है। जो सेंसरी नर्वस सिस्टम में वॉलंटरी इनवॉलंटरी दोनों मिलकर सेंसरी नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सेंसरी नर्वस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल ज्यादा होता है कंपेयर टू न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसमें हम देखते हैं कि कैसे रोल ज्यादा है। जो पेरीफेरी से सीएनएस की तरफ सिग्नल जाएगा उनको तो नर्व ले जाएंगे, तो नर्व में इम्पल्स का जनरेशन कैसे होगा, नर्व डीपोलराइज कैसे होंगी, वो होता है सोडियम के इन्फ्लक्स से, पोटेशियम के इफ्लक्स से। ये हम लोग अपने इस क्लास 11 12 से जानते हैं। सीएनएस में इम्पल्स पहुंचेगा तो फिर वो सीएनएस जो होगा वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल ज्यादा होता है कंपेयर टू न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक। अब हम अपने सेंसरी नर्वस सिस्टम को हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं बाय गिविंग लोकल एनास्थेटिक्स। ये हम लोकल एनास्थेटिक्स क्यों देते हैं, इसका देने का कारण क्या है, हम अपने सेंसरी नर्वस सिस्टम को ही क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? इसका कारण है, जब हम टीथ निकलवाने जाते हैं, दांत निकलवाने जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो डेंटिस्ट हमें सबसे पहले एक इंजेक्शन लगाते हैं या स्प्रे करते हैं जो कि हमारे वहाँ लोकल सेंसेशन को ब्लॉक कर देते हैं। उसमें यही होता है कि लोकल एनास्थेटिक्स देते हैं जो कि हमारे सेंसरी नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करता है वहाँ पे। तो लोकल एनास्थेटिक्स वहाँ पे दे दिए तो वहाँ से सेंसेशन हमारे सीने के पास जाएगा नहीं, तो हमें पेन नहीं फील होगा। दूसरा यूज क्या है, माइनर स्किन ऑपरेशंस जैसे कि मोल, वॉर्ट्स, इन सब के रिमूवल के टाइम पे भी हम लोकल एनास्थेटिक्स देते हैं। आइए अब हम ये जानते हैं कि लोकल एनास्थेटिक्स काम कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इम्पल्स जनरेशन के लिए सबसे पहले सोडियम का इन्फ्लक्स होना जरूरी है, तब इम्पल्स जनरेट होगा, तभी आगे सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होगा। तो अगर इन्हीं सोडियम के एंट्री वाले चैनल्स को रोक दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, तब तो फिर इम्पल्स आ नहीं पाएगा, इम्पल्स जनरेशन होगा नहीं। लोकल एनास्थेटिक्स होते हैं वो ब्लॉक करते हैं सोडियम चैनल्स को, जिससे क्या होता है कि इम्पल्स का जनरेशन नहीं होगा। जब इम्पल्स जनरेट नहीं होंगे तो सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो
तो यानी कि वहां से सेंसेशन का लॉस हो जाएगा। ठीक, अब हम थोड़ा देखते हैं एग्जाम्पल कि कौन कौन से लोकल एनास्थेटिक्स हैं। तो ऐसे ड्रग्स जिनके अंदर लास्ट में केन लगा होता है वो होते हैं अपने लोकल एनास्थेटिक्स, जैसे कि कोकेन जो कि फर्स्ट यूज किया जाता था और लिग्नोकेन दूसरा। लेकिन अब कोकेन का यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसमें एडिक्टिव नेचर होता है जो कि साइड इफेक्ट कॉज करते हैं, इस वजह से कोकेन अब यूज नहीं करते हैं, उसके जगह पर लिग्नोकेन का यूज किया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन डिस्कशन मोटर नर्वस सिस्टम पे। अभी तो हम सेंसरी नर्वस सिस्टम की बात कर ली है। मोटर नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है कि जो अगर वॉलंटरी स्ट्रक्चर पे सिग्नल आया सोमैटिक हो गया, जो इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर पे सिग्नल आया वो ऑटोनॉमिक हो गया, ये बात पहले ही हम कर चुके हैं। तो ये सोमैटिक स्ट्रक्चर्स हैं कौन कौन से? तो ये स्केलेटल मसल्स या सोमैटिक मसल्स, यानी कि हमारे हेड एंड नेक रीजन के जो मसल्स हैं उनको अगर सिग्नल दे रहा है वो होगा वॉलंटरी स्ट्रक्चर्स, यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा वो। कौन कौन सी मसल्स आती हैं हमारे सोमैटिक मसल्स हेड एंड नेक रीजन की? फेशियल मसल, टंग मसल्स, आई मसल्स, ये बनाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जिसके बारे में हम अपने 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, वो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम का। इसमें होता ऐसा है कि एक माइलिनेटेड न्यूरॉन्स रहेगी, मेनली माइलिनेटेड ही रहती हैं, वो किसी न किसी मसल को, वॉलेंट्री मसल्स को सप्लाई करेंगी, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं? एसिटाइल कोलिन हमेशा, जिसका रिजल्ट क्या आता है, जिसका आउटकम क्या आता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं वो। और इनमें रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? वो हमेशा NM रिसेप्टर्स होंगे। याद करने का तरीका क्या? NMJ, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का NMJ बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है। तो NMJ से ही हम याद कर सकते हैं कि उस पे NM रिसेप्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी के। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर उनको सप्लाई कर रहा है वो होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें दो पार्ट होता है, एक सिंपैथेटिक सिस्टम, दूसरा पैरासिंपैथेटिक सिस्टम। तो हमें मेन इन्हीं दोनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, ऑटोनॉमिक मोटर नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मोटर कंपोनेंट। हमें इन चैप्टर्स में इसी के बारे में पढ़ना है। हमने जो NM रिसेप्टर्स की बात करी थी तो उसमें हमने क्या देखा था कि वो स्केलेटल मसल और सोमैटिक मसल्स को सप्लाई करते हैं। वहाँ पे वॉलेंट्री स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं? स्केलेटल मसल और सोमैटिक मसल्स। तो अगर हमें इन केस कभी स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करने की ज़रूरत पड़ गई तो हमें मतलब उन्हें ब्लॉक करने की ज़रूरत पड़ गई ताकि वो एक्टिवेट ना हो पाए, उनमें कॉन्ट्रैक्शन ना हो पाए, तो हम क्या करते हैं? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ये स्केलेटल मसल को रिलैक्स कर देते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन रोक देते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है ये देख लेते हैं। ये ब्लॉक करते हैं NM रिसेप्टर्स को, जो हमने बताया था ना कि NMJ में NM रिसेप्टर होते हैं, तो उनको ब्लॉक करते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? क्यूरियम और क्यूरोनियम, जिनके अंदर लास्ट में लगा रहेगा, वो एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब एग्जाम्पल है एट्रा क्यूरियम। हम ये देखते हैं कि कहाँ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का यूज होता है, SMR का यूज कहाँ होता है। तो आपने देखा होगा कि सर्जरी के पहले कुछ एनास्थेटिक ड्रग डालते हैं तो उसमें ही यूज होता है। क्यों? ताकि पेशेंट्स के लिम्स को पैरालाइज किया जा सके, ताकि मूवमेंट ना हो, मूवमेंट ना हो तो डॉक्टर के लिए सर्जरी करना आसान रहेगा। तो ये यूज किया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी टू पैरालाइज लिम्स ऑफ पेशेंट्स। हम बात करने जा रहे हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक तरफ सिंपैथेटिक को डील करेंगे, एक तरफ पैरेलल में उसके पैरासिंपैथेटिक को डील करेंगे। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में एक्टिवेट होता है। स्ट्रेसफुल कंडीशन मतलब कौन कौन सी?
जैसे कि फियर हो गया, फाइट कंडीशन हो गई, फ्लाइट कंडीशन हो गई, उस केस के अंदर हम हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। याद करने का तरीका क्या, एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर स्ट्रेसफुल, याद रहेगा हमेशा। और जो हमारा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वह हमारी बॉडी के नॉर्मल, जैसे मैं आप नॉर्मल रह रहे हैं उस टाइम पे पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तभी इसे बोला जाता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, तो ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, और पैरासिम्पेथेटिक को भी नो डाउट हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। लेकिन जो हमने पढ़ रखा है फिजियोलॉजी के अंदर कि हाइपोथैलेमस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस होते हैं, तो उसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको पोस्टीरियो लैटरल न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, और जो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम होता है उसको एंटीरो मीडियल न्यूक्लियस कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस का। याद करने का तरीका, प्लस से याद कर सकते हैं सिंपैथेटिक का, साइक्लिक एएमपी सीएएमपी से याद कर सकते हैं पैरासिंपैथेटिक का। कैसे याद करेंगे, पोस्टीरियो लैटरल न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक को, यू से आपको कोई मतलब नहीं है। इधर साइक्लिक एएमपी दैट इज एंटीरो मीडियल कंट्रोल करता है पैरासिंपैथेटिक को। अब देखते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी नर्व्स हैं और पैरासिंपैथेटिक के अंदर कौन कौन सी नर्व्स हैं। तो थोरैको लंबर आउटफ्लो, यानी कि हमारे थोरैसिक रीजन से जो नर्व निकलेंगी T1 से T12 वर्टिब्रल तक, और L1 से L2 या L3 वर्टिब्रल तक जो भी नर्व निकलेंगी वो होता है थोरैको लंबर आउटफ्लो, और वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं। पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व्स रहती हैं वो क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो होती हैं, यानी कि क्रेनियो में 3rd, 7th, 9th और 10th क्रेनियल नर्व्स, और सेक्रल आउटफ्लो में हम बात करेंगे S2, S3, S4 वर्टिब्रल नर्व्स की बात करेंगे। अब जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, तो न्यूरो ट्रांसमीटर सिंपैथेटिक के अंदर अलग होंगे, पैरासिंपैथेटिक के अंदर अलग होंगे। सिंपैथेटिक के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर नॉर एड्रीनालिन होता है, या हम बोल सकते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, और जो पैरासिंपैथेटिक होता है उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होता है। तभी तो हम लोग पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कोलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन न्यूरो ट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो होता है नॉर एड्रिनलिन, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनर्जिक सिस्टम। जैसे कि अपने न्यूरो ट्रांसमीटर दोनों सिस्टम में अलग अलग हैं, वैसे ही इसमें रिसेप्टर्स भी अलग अलग हैं। सिंपैथेटिक के अंदर रिसेप्टर्स हमको अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे, और पैरासिंपैथेटिक के अंदर हमको रिसेप्टर मस्करैनिक रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स से प्रेजेंट होने चाहिए। को ट्रांसमीटर की बात करते हैं, सिंपैथेटिक के अंदर ATP इज अ को ट्रांसमीटर, और पैरासिंपैथेटिक के अंदर VIP इज द को ट्रांसमीटर। VIP मतलब वेजो इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब लास्ट पॉइंट है जो दोनों में डिफरेंस का, वो है नर्व लेंथ रेशियो, प्री गैंग्लियोनिक टू पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व लेंथ रेशियो। प्री गैंग्लियोनिक नर्व लेंथ रेशियो टू पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व लेंथ रेशियो दोनों में अलग अलग रहता है। सिंपैथेटिक के अंदर 1:20 से लेके 1:100 तक होता है, और पैरासिंपैथेटिक के अंदर 1:1 से लेके 1:2 तक होता है। इसे अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, उसको समझने के लिए थोड़ी एनाटॉमी जाननी पड़ेगी। अब एनाटॉमी में हम ये देखेंगे कि गैंग्लियॉन के पास कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, और जब किसी इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, कौन कौन से वहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। चाहे पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम हो या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, दोनों में ही जो गैंग्लियॉन के पास न्यूरो ट्रांसमीटर होगा वो एसिटाइल कोलिन ही होगा। ये हम देख सकते हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक का है और ये सिंपैथेटिक का है, देख सकते हैं। जो यहाँ पे दोनों की दोनों नर्व मिल रही हैं, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व मिल रही हैं, इसलिए यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स के अंदर
वो NN टाइप के रिसेप्टर्स होंगे। तो यानी कि ये जो एसिटाइल कोलिन यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक नर्व से रिलीज हो रहा है वो जाके NN रिसेप्टर्स पे काम करेगा। लेकिन पैरासिम्पेथेटिक के अंदर जो इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर्स को जब सप्लाई करेगा, किसको? इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर्स को, वहां पे जो पैरासिम्पेथेटिक के अंदर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा वो मस्केरेनिक रिसेप्टर्स पे जाके जुड़ेगा। देख सकते हैं हम क्रेनियो और सैक्रल रीजन्स पे जो होगा तो वो मस्केरेनिक रिसेप्टर्स पे जाके जुड़ेगा, और जो सिंपैथेटिक के अंदर होगा तो वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एड्रेनालिन होगा और अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे जाके जुड़ेगा। अब थोड़ा नर्व लेंथ रेशियो की बात कर लेते हैं। जो हमने पिछली बार पढ़ा था उस पर यह है कि जो सिंपैथेटिक होता है उस पर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व बड़ी होती है, क्योंकि गैंग्लियन उसका पास में ही प्रेजेंट होता है, और जो पैरासिम्पेथेटिक है उसमें स्पेस ना होने की वजह से क्रेनियल और सैक्रल रीजन पे, क्योंकि नर्व्स का रीजन वहाँ पे बहुत डेंस होता है इसलिए गैंग्लियन नहीं बन पाता, इसलिए वो जो उनका गैंग्लियन होता है वो दूर होता है, जिस वजह से जो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व लेंथ है वो लगभग इक्वल रहती है, लगभग इक्वल रहती है। इसलिए बोलते हैं 1:1 से लेके 1:2 तक इन केस ऑफ पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड 1:20 से लेके 1:100 तक इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।